आदाब ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा है कि जी रात के बजने वाले हैं 11, और कोई 11:15 तक हम लोग जाने लगे हैं मेरी अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरे भाई की है बर्थडे, उसको देंगे सरप्राइज। ठीक है, सिर्फ केक ही लेके जाएंगे। सो बर्थडे तो जैसे मैंने आपको बताया हम पहले नहीं करते थे। कल अब्दुल्ला का बर्थडे था, तो अब्दुल्ला ने भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी। हम सेलिब्रेशन के नाम पे सिर्फ एक केक को जो है ना हलाल कर लेते हैं, बस सब खा पी लेते हैं, फारिग हो जाते हैं। तो उससे पहले मैं जो है कपड़े शपड़े तो मैंने पहने हुए ऑलरेडी, यही तैयारी है। इससे ज़्यादा तैयारी मैं नहीं कर सकती रात 11 बजे, क्योंकि मैंने किसी शादी पर नहीं जाना। तो कपड़े यही पहने रखूंगी, आहत को चेंज कराऊंगी बिकॉज बाइक पे जाना है, बाहर थोड़ी सी ठंड होगी, तो सिर्फ फुल कपड़े पहना देती हूँ। अब्दुल्ला भी जिस तरह वैसे जाएंगे, बस हल्की सी लिपस्टिक और थोड़ी सी टिच टैच कर लेते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तैयार होती हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एक प्यारा सा। ठीक है, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और रेडी तो मैं होंगी, लेकिन रेडी होने से पहले अब्दुल्ला गए हैं बाहर बर्गर शर्गर लेने, बर्गर बन लेने गए हैं, बर्गर बन। और घर में कबाब वगैरह रेडी हैं, तो वो कह रहे थे कि मुझे जो है ना घर में ही बर्गर बना दो, मैंने वहां जाके कुछ नहीं खाना। तो वहां खाएंगे वाएंगे कुछ भी नहीं, बस केक लेंगे रास्ते से, और एक केक लेके वहां जाएंगे, उससे केक कटवाएंगे, केक खाएंगे और घर वापस आ जाएंगे जैसे कि हमने आना होता है हमेशा की तरह, रात के 1 बजे 1:30 बजे जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, फिलहाल पहले अब्दुल्ला जब तक आते तब तक मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा फिश टैश हो जाती हूँ, फिर वो खा पी के फौरन से जल्दी चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, रेडी होंगे। चले जी, मैं तैयार हो गई हूँ, अब्दुल्ला भी तैयार हो गया, बाहर चले गया। जिस तरह हम थे हम उसी तरह ही हैं, बस मैंने उनकी लिपस्टिक लगा दिया, आहत को तैयार कर दिया, फुल कपड़े पहना दिए, अब हम चलेंगे। 11:30 हो गए हैं और बस निकलते हैं। ठीक है, वहां पर उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, कपड़े हमने इसलिए चेंज नहीं किए कि माँ बहन को कुछ भी नहीं पता कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमने इसे कुछ सरप्राइज देना है, तो होपफुली वो सो ना रहे हो वहां पे। चलो हाय करो से, हाय हाय, चलो चलो इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आ जाओ, जल्दी से इधर आ जाओ। कौन सा केक खाना मेरे बेटे ने? वाओ केक, कौन सा वाला लोगे? चुप करो, चुप करो, बहुत चली जाएगी, मामू उठ जाएंगे, जल्दी इधर आओ, मामू को हैप्पी बर्थडे के, इधर 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 मामू, चलो 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 इधर 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 इधर। अब आपका किधर है? चलो चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू उस्मान, वो मामू के बर्थडे कह रहे हैं, मामू उस्मान ने। चलो ना, चलो आओ आगे, आओ आओ आओ, आओ जल्दी आओ जल्दी। हैप्पी बर्थडे को मामू को, मामू को कौन ना हैप्पी बर्थडे। हाँ वो उस्मान ने तालियां बजाई है ना, नाचा है। चलो आओ, तो आओ अंदर, तो आओ, चलो अंदर तो आओ ना, चलो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mamu and daddy, happy birthday to you, Cappy! नहीं ये ना, ये जो कैंडल्स चलती है ना आहद, उससे डरता है ये इससे, आहत कैंडल से डरता है। चले कैंडल बंद, अम्मी छुट्टी से ही तो मुझे आनी ना, ये इतने पड़े हुए थे इतने सारे, मुंह मीठा कराना चाहिए बच्चों का। चलो बात, चलो अब ये सारों को सोए हुए उनको उठा दिया, अब दिला कहते सब सोए होंगे। इतने रात कहाँ,
चलो अब्दुल्ला का आहद ने केक खाना है, आहद को खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। इट्स अ केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। चॉकलेट केक। चॉकलेट। ईट। वाओ यम्मी सो टेस्टी। क्लैपिंग। चलो चलो बस उनके एक सानू पीस नहीं सानू केक दे पीस काट दो बस। चले जी रात का बज गया है तकरीबन हो गया है डेट बज गया है और पौने दो होने वाले हैं तो अभी हम घर पहुंचे हैं। आहद जो है वो यहाँ पे सो चुका है ठीक है और मैं यहाँ पे जो है अब कपड़े वगैरह चेंज करूंगी और सोऊंगी ठीक है। अब जो है बर्थडे शर्डे हमने सेलिब्रेट कर ली थी, रस्ते में से एक केक लेके थे, सारी जगह तो बंद थी क्योंकि टाइम लेट हो गया था तो बेकरीज तो बंद हो जाती है तो लेयर्स का केक मिला था वही हमने केक लिया और जाके बर्थडे सेलिब्रेट करके केक खा के वापस हम घर को आ गए। अब सीन कुछ इस तरह से है कि अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करूंगी और थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करूंगी, मतलब नाइट रूटीन दिखाऊंगी, नाइट स्किन केयर करूंगी, नाइट रूटीन करूंगी, थोड़ा मास्क शाक लगाऊंगी और फिर 2:30 बजे सो जाएंगे, फिर मास्क के लिए उठेंगे। चले जी मैंने कपड़े चेंज करिए और अभी मैं थोड़ा सा अपना जो मेकअप शेकअप मैंने किया हुआ था वो करूंगी। सबसे पहले क्लेंजर करूंगी ठीक है, डॉक्टर रेशल का क्लेंजर है ये, इससे फेस को क्लेंज करेंगे, हल्का सा हाथ गीला करके। करूंगी स्क्रबिंग ठीक है, स्क्रबिंग हफ्ते में एक दफा दो दफा तो करनी चाहिए, लाजमी है। मेरे जैसे फेस पे ना एक्ने है, स्किन बहुत मेरी जो है वो ऑयली भी है और ड्राई भी है, यानी कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी ऑयल किसी सीजन में ऑयली हो जाती है, किसी सीजन में ड्राई हो जाती है। तो जब ऑयली होती है ना नॉर्मली गर्मियों में बहुत ऑयली हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो गर्मियों में ना मैं मेकअप नहीं कर पाती, मैं क्या कहते हैं उसे पिंपल्स आ जाते हैं मुझे ज़्यादा गर्मियों में, सर्दियों में आहिस्ता 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 वो ख़त्म होने शुरू होते हैं, वो फिर पिंपल निशान छोड़ जाते हैं। स्क्रब करते हैं फिर आपको मिलते हैं। चलो जी मास्क मोस्क स्क्रबिंग कर लिए मैंने, क्लिंजिंग कर लिए मैंने एंड अभी ये विटामिन सी का एक सीरम है ये मैं लगाऊंगी, थोड़ा सा सूदिंग सा आएगा, ठंडक ठंडक से फील होगी और ये जब खुश्क होगा फिर मैं इसे उतार लूंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट ये मुझे बहुत पसंद है और इसको मैं एक मास्क है ये मास्क की तरह फेस पे लगाऊंगी और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी बस, फिर उसके बाद मुंह हाथ धोएंगे जब खुश्क हो जाएगा और फिर सो जाएंगे। चलें जी मास्क लगाने के बाद मिलते हैं। चलो जी मैंने अपनी स्किन केयर कर ली है ठीक है, क्लेंजिंग कर ली,
स्क्रब कर लिया, मास्क लगा लिया, अब थोड़ी सी मुझे भूख लग गई थी, खाना नहीं खाया मतलब, क्योंकि अब्दुल्ला को तो मैं अब्दुल्ला को और अब्दुल्ला को मैं बर्गर बना के दे गई थी और वहां पर उन्होंने केक वगैरह खा लिया था, भूख सुधर गई थी। मैंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ वहां केक खाया था, तो ऐसे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं कुछ खा लेती हूँ। अब लग गई थी, 2 बज गए, तो ये मैंने अपने लिए मंगवाया है बारबेक्यू, एंड यहाँ पे ये मेरी कोल्ड ड्रिंक है, ये खाएंगे और फिर खा पी के सो जाएंगे, मस्त माहौल सो जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, एंड मुझे मेरे बेटे को दुआ में याद रखना है, अपना अपने का बहुत ख्याल रखना है, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया, कंजूसी क्यों दिखाती हूँ। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, बंद कर दिए मैंने, लाइटें जलाई हुई थी मेरी, वैसे बाकी सारी लाइट्स बंद है, एक लाइट मैंने यहाँ रखी हुई है वो मैंने जलाई थी ताकि वीडियो अच्छी आए, तो यहाँ पर ये कुछ ना शुरू हो गई इससे पहले कि ये उठे, बंद कर दिया, अल्लाह हाफिज़।